दोस्तों सारेगामापा का पहला एपिसोड कल टेलीकास्ट किया गया और आज दूसरा एपिसोड बस कुछ ही घंटों में टेलीकास्ट होने वाला है। लेकिन कल के एपिसोड में बहुत ही बेहतरीन कंटेस्टेंट ऑडिशन देते हुए नजर आए। जी हाँ, जहां एक तरफ सभी कंटेस्टेंट ने शानदार ऑडिशन परफॉर्मेंस दिया तो वहीं दूसरी तरफ उन सभी कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया गया। तो आखिर अभी तक कौन कौन सा कंटेस्टेंट ऑडिशन देता हुआ नजर आया है और किस किस कंटेस्टेंट को आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो चलिए सब कुछ जानते हैं आगे की वीडियो में। बस आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखना और कमेंट करके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम जरूर लिखेगा। देखो, कल के एपिसोड में अनमोल नाम का एक कंटेस्टेंट ऑडिशन दिया था और जजेस ने उसे आगे के राउंड के लिए सिलेक्ट भी किया था। तो ही विजया लक्ष्मी पुली जो बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और इनका ऑडिशन परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि जजेस ने यहाँ तक बोल दिया ये तो फिनाले वाला परफॉर्मेंस दिया है आपने, और विजया लक्ष्मी को भी आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। तो ही रिक बासु जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, इनका ऑडिशन परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही पसंद आया और जजेस ने रिक बासु को भी नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है। तो ही अगला ऑडिशन परफॉर्मेंस दिया निष्ठा शर्मा ने जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ऑडिशन देने आई थी, और निष्ठा ने जो क्लासिकल ऑडिशन परफॉर्मेंस दिया है वो आपके दिल को सुकून देगा। जी हाँ, इतना शानदार था निष्ठा का परफॉर्मेंस और उसके जजेस ने भी इन्हें आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है। तो ही निष्ठा के सामने चैलेंजर बन के हैं रोनिता बैनर्जी जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, और इन्होंने ऑडिशन में लता जी के गानों पर ऑडिशन परफॉर्मेंस दिया जो कि वाकई बहुत ही कमाल का था। अशोक के जजेस ने रोनिता के इस परफॉर्मेंस को देखकर रोने लगे और रोनिता को भी आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। तो वहीं अगला ऑडिशन परफॉर्मेंस दिया अल्बर्ट काबुल लिप्चा जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और इनका जो आवाज़ था वो आपके दिल को छू लेगा क्योंकि अल्बर्ट बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिए हैं। अशोक के जजेस ने अल्बर्ट को भी नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब आप ये बताओ कि आपको इन सभी में से किस कंटेस्टेंट का ऑडिशन परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।